और जिस पे मैंने पहले अप्लाई किया था वो रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से कटाई करने के बाद इसमें न्यू न्यू ब्रांच आना स्टार्ट हो गई है विद प्रूफ, आप देख सकते हो। बिल्कुल सूट से, बिल्कुल नीचे के पार्ट से आ रही है और इसमें बड्स भी मेरे को दिखाई दे रही है फूल के लिए। ये मेरे पिंक कलर का गुलाब है और आप भी इस तरह से आप अपने प्लांट्स में न्यू ब्रांच ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में आपको प्लांट्स के बारे में या गुलाब के बारे में मिलेगी, ताकि आपका गुलाब भी स्वस्थ रहे और न्यू न्यू ब्रांच दे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होम गार्डनिंग में। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि गुलाब की सारी जो ब्रांच है मैंने काट दी है, अभी देख रहे हो आप, और क्यों काट दी है ये भी बताऊंगा। और मैंने इसकी हार्ड ट्यूनिंग की है, अभी देख सकते हो आप, कुछ ब्रांच छोड़ी है मैंने। ये मेरा प्लांट्स एकदम बिल्कुल घना था, ये देख सकते हो मैंने सारे गुलाब की कटिंग कर दी है बिल्कुल हार्ड ट्यूनिंग। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों किए मैंने, क्योंकि सभी पे नई नई ब्रांचेज आ रही थी फिर भी मैंने कर दी इसकी कटिंग। और ये मेरा रेड गुलाब है, इसकी भी मैंने कर दी है कटिंग, क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी पुरानी हो गई थी और सब येलो येलो होने लग गई थी, इसलिए मैंने इसकी हार्ड ट्यूनिंग कर दी सभी गुलाब्स की। और इस गुलाब में नीचे से जो शंकर है ये भी निकल रही थी, इनको सबको उठा दिया मैंने, एकदम साफ़ सफाई की अभी। और हार्ड ट्यूनिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर जहाँ से भी कटिंग की है जिस भी ब्रांच से, वहाँ पर एलोवेरा है ना, ये लगा दिया, क्योंकि एंटीसेप्टिक्स सबके लिए काम करता है और इसमें ऑक्सीजन हार्मोन भी होता है, नई ब्रांचेज निकलने के लिए भी ये अच्छा रहेगा। जहाँ जहाँ कटिंग की है मैंने वहाँ वहाँ इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि यहाँ पर वायरस बैक्टीरिया किसी का भी अटैक नहीं हो, इससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। और ये गुलाब भी मेरा काफ़ी घना था फिर भी मैंने इसकी हार्ड ट्यूनिंग कर दी, देख सकते हो आप गुलाब के ऊपर फूल कितने अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए ये हार्ड ट्यूनिंग की गई है, ताकि आपका गुलाब हो वो पहले से भी ज़्यादा घना हो और बड़े साइज के फूल दे, बढ़िया इसका विकास हो, अधिक से अधिक इसमें ब्रांच निकले और बढ़िया वृद्धि हो, ताकि जितने फूल चाहिए उससे भी ज़्यादा फूल आए। और ख़राब ब्रांच है वो भी सब निकल जाएगी इससे, ताकि नई ब्रांच निकले। और पुराने लीफ है वो भी इसके जड़ गए थे पूरे, क्योंकि एक समय के बाद कंप्लीट लीफ है वो जड़ जाती है इस पर एज होने के साथ साथ। और इसकी गुड़ाई भी कर दो और साफ़ सफाई भी कर दो, गुड़ाई भी करूँगा मैं अभी आज इसकी। ताकि इसकी अच्छे से वृद्धि हो सके। और जो कटिंग आपने लगा रखी है उसके नीचे से अगर कोई भी निकलती है ब्रांच तो उसे हटा दो, क्योंकि उसे शंकर ब्रांच कहते हैं और वो प्लांट्स का कंप्लीट वजन खा जाती है और भोजन की कमी के कारण ये प्लांट्स वृद्धि नहीं करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप ये शंकर लीफ हटा दो। और ये देख सकते हो मैंने गुड़ाई भी कर दी है इसकी कंप्लीट बड़ी अच्छे से। और कटाई इसलिए की जाती है इसकी, ताकि आपका गुलाब सबसे ज़्यादा घना हो और सबसे ज़्यादा फूल दे, बड़े साइज़ के फूल दे, तेज़ी से विकास हो। जैसे बारिश का सीजन आ रहा है उससे पहले आप इसकी सभी गुलाब की कटिंग कर दो, ताकि इसमें नई ब्रांचेज निकले, क्योंकि बारिश का पानी प्लांट्स के लिए सबसे अच्छे टॉनिक का काम करता है।
सभी कमी है वो कंप्लीट कर देगा उससे। तो गुलाब के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि प्लांट्स के बारे में तमाम प्रकार की वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे आपको।